अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मार्केट ट्रेंड के हवाले से गाइड करूँगा कि इस वक्त हमारी जो मार्केट बुलिश जोन में है और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परेशान भी हो जाते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि स्टॉक के प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और कौन से स्टॉक इस वक्त सेलेक्ट करें जो कि मज़ीद ऊपर जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी है और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो मार्केट ट्रेंड को बहुत तेज़ी से फॉलो करते हों और उनमें ग्रोथ भी ज़्यादा हो। तो अगर आप बुलिश मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा जो मार्केट के साथ साथ तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए। तो मैं उन स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी मार्केट के ट्रेंड को समझने में कि जब मार्केट नीचे होती है तो किस तरह से पैसा कमाया जाता है और जब मार्केट बुलिश जोन में होती है तो किस तरह से पैसा कमाया जाता है। तो व्यूअर्स, मैं 5 ऐसे स्टॉक्स के नाम बताऊँगा कि आप इन स्टॉक्स से अगर मार्केट नीचे भी आती है तो भी आपको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आपको जो है वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके वारे न्यारे भी हो सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक है कैपको। कैपको पावर सेक्टर का ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको अपने पोर्टफोलियो का लाजमी हिस्सा रखते हैं, क्योंकि कैपको साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है और बहुत अच्छा डिविडेंड देता है अपनी अर्निंग के हिसाब से। और हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से जो IBBs को पेमेंट की गई हैं उसमें कैपको को बहुत अच्छा शेयर दिया गया है। कैपको इस वक्त करंट प्राइस 28 रुपीज़ पर यू ट्रेड हो रहा है। टारगेट प्राइस इसकी 30 to 32 रुपीज़ हो सकती है शॉर्ट टर्म में। तो एक्सपेक्टेड है कि कैपको एयरली अनाउंसमेंट में अच्छा डिविडेंड दे सकता है और उम्मीद है कि 3 से 4 रुपये का ये डिविडेंड दे। तो कैपको में अभी पोटेंशियल है। सन फार्मा इस वक्त करंट प्राइस 53 रुपीज़ पर यू ट्रेड हो रहा है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 90 to 100 तक ये लॉन्ग टर्म में इजीली जा सकता है। तो सर जो है वो मुसलसल अपना जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड कर रही है और अभी ओमान में भी इन्होंने जो है वो अपना बिज़नेस को एक्सपेंड किया है। तो सर एक पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना बिज़नेस है पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता करके फैला रही है। पाकिस्तान में तो मैंने आपको बताया कि इनकी जो प्रोडक्ट मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान में इनका 3रा नंबर आता है फार्मास्यूटिकल में। तो सर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखिए, मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये सोच के करें कि आप स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे बल्कि एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर कंपनी जो है वो अपना बिज़नेस मुसलसल एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है। तो ऐसी ग्रोइंग कंपनी में आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे है, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि सर की जो इस वक्त करंट प्राइस है 46 रुपीज़, ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं बनती है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सर में, ये बहुत अच्छा मौका है। ये शेयर जितना नीचे गिरना था इसमें ये गिर चुका है और अब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। और 38 पे जब ये था तो मैंने आपको रिकमेंडेड किया था कि इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करें और मज़ीद ये ऊपर जा सकता है और मैं समझता हूँ कि ये 100 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इस सितंबर में इसका जो एनुअल रिजल्ट है वो आएगा और हमेशा की तरह ये अच्छा बोनस शेयर और डिविडेंड अनाउंस करता है। तो इस दफ़ा भी ये अच्छा कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर को देगा। तो जो लोग सर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये मैं उनको रिकमेंडेड करता हूँ कि ये सर में अभी आप इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और टारगेट प्राइस 90 to 100 तक ये जा सकता है ईजीली। 100 भी क्रॉस कर सकता है मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि फेयर वैल्यू उसकी 100 से ज़्यादा ही बनती है। सर में अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो सर में अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिल सकता है। 3रे नंबर पे हमारा स्टॉक है लोटे केमिकल।
लोटे केमिकल केमिकल सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है, अर्निंग हर साल इंक्रीज हो रही है और कंपनी ग्रो कर रही है, एक बड़े ग्रुप का ये हिस्सा बन चुका है। LCINS के जो शेयर थे वो एक्वायर किए थे, जिसकी वजह से ये LCI का पार्ट बन गया। तो करंट प्राइस मैं समझता हूँ 27 पे ये ट्रेड हो रहा है और फ्यूचर की जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है और एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक माना जाता है, और इस साल ये 2 रुपये का डिविडेंड दे चुका है फर्स्ट क्वार्टर में। तो अर्निंग के जितनी अर्निंग थी उससे ज़्यादा इसका डिविडेंड अनाउंस किया है, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हाफ ईयरली रिजल्ट में भी ये कुछ ना कुछ डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। तो अभी भी इसमें मैं समझता हूँ कि 3 से 5 रुपये का गेन आपको मिल सकता है। जब मार्केट बुलिश है तो ये स्टॉक भी ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो टारगेट प्राइस 30 से 32 रुपये तक हो सकता है लोटे केमिकल का। 4th नंबर पे हमारा स्टॉक है MTL मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड। मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड इस वक्त बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड करंट प्राइस इस वक्त 593 पर ये ट्रेड हो रहा है। अगर टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इसकी जो टारगेट प्राइस है वो 650 to 700 तक जा सकती है और इजीली एक न्यू हाई बना सकता है। तो मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड को मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ये स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है, और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी तो उनको एक बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है। और साल में ये स्टॉक 2 दफ़ा डिविडेंड देता है और साथ साथ बोनस भी देता है, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है MTL लॉन्ग टर्म के लिए। और मार्केट के साथ साथ ट्रेंड को फॉलो करेगा ये स्टॉक और देखेंगे कि आपको एक अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है। 5th नंबर पर हमारा स्टॉक है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, TOMCL के नाम से स्टॉक लिस्टेड है। कराची बेस्ड कंपनी है ये और इनका जो कोर बिजनेस है वो हलाल गोश्त ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और इनकी जो ज़्यादातर मार्केट है वो गल्फ रीजन में। तो ये वाहिद एक यूनिक बिजनेस है इस कंपनी का और नई कंपनी है। हर साल जो है वो अर्निंग जो है वो 3 सालों से इंक्रीज हो रही है, और मैं समझता हूँ कि करंट प्राइस इसकी 21 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है। और करंट प्राइस इस वक्त ये अपने लोएस्ट पर है, और टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 24 से 25 रुपये। अगर मार्केट के साथ साथ ट्रेंड को देखें तो ये 24 से 25 रुपये पर ईजिली जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए TOMCL भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कंपनी मुसलसल अर्निंग में है और मैं समझता हूँ कि आगे भी इसकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी। TOMCL एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन अर्निंग अच्छी है कंपनी की। अगर अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है और शेयर की प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें एक अच्छा गेन मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म में ये 24 से 25 रुपये का टारगेट प्राइस हो सकता है इस स्टॉक में। तो लेके रखने के लिए स्टॉक बुरा नहीं है और साथ साथ डिविडेंड भी देता है ये स्टॉक। अभी रिसेंटली इसने जून में 10% के बोनस शेयर भी अनाउंस किए थे। मैं समझता हूँ कि अभी भी ये 2 से 3 रुपये का डिविडेंड मजीद दे सकता है ये स्टॉक। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL रिकमेंडेड स्टॉक है, आप इसमें अभी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये 5 स्टॉक जो मैंने आपसे डिस्कस किए ये ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स हैं कि मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये स्टॉक्स आपको बहुत तेज़ी से पैसा कमा के देंगे, और अगर मार्केट खुदा ना खासा अगर नीचे भी आती है तो उससे होगा ये कि ये स्टॉक इतने ज़्यादा टूटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर हैं और अपनी फेयर वैल्यू से कम कीमत में मिल रहा है, तो इसमें नुकसान होने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं नहीं और प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, मेरा वीडियो बनाने का हमेशा से मकसद यही होता है कि आप लोगों का जो रिस्क है वो कम से कम हो और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो और आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ट्रेड हो रहा है, उसकी वजह यह है कि इसने बोनस शेयर दिए थे जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो स्प्रेड हो गई थी, और अभी करंट प्राइस 395 पर ये ट्रेड हो रहा है। अर्निंग लास्ट ईयर के मुकाबले में कुछ डिक्लाइन हुई है लेकिन अब ये अर्निंग अपनी इम्प्रूव कर रहा है, और जैसे ही अर्निंग इसकी इम्प्रूव होगी तो ये स्टॉक जो है वो डबल हो सकता है। और टारगेट प्राइस अगर मार्केट
इसी तरह से अपना सेंटिमेंट को बरकरार रखती है तो ये टारगेट प्राइस इसकी 550 to 600 तक टारगेट प्राइस हो सकती है।